नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगल सफारी। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लेस्टोनिक एपोक यानी कि आइस एज के खूंखार दैत्य अमेरिकन लायन की। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा एट्रॉक्स। वैसे तो नाम के लिए लोग इसे अमेरिकन लायन कहते हैं, पर असल में ये एक बड़ा जगुआर से काफी मिलता जुलता है। अमेरिकन लायन की खाल काफी मोटी होती थी ठंड से बचने के लिए और डार्क धब्बे होते थे इसके शरीर पर। साइज और वेट की अगर बात करें तो अमेरिकन लायन का एवरेज शोल्डर हाइट 3.9 फीट के करीब था। हेड टू टेल टिप लेंथ 11.5 फीट तक था। वजन ऑन एवरेज 256 केजी के अराउंड और सबसे बड़े स्पेसमैन 350 केजी तक वजन में होते थे। कुल मिला के कंटेम्प्रेरी लायन से 25% से बड़ा होता था ओवरऑल साइज में। अब बात कर लेते हैं बाइट फोर्स और कैनाइन साइज की। दोस्तों हालांकि अमेरिकन लायन की साइज की तुलना में उसके 4 इंच लंबे कैनाइन छोटे पड़ जाते थे, पर फिर भी ये 1800 PSI का जबरदस्त बाइट फोर्स जनरेट करता है जो कि आज के मॉडर्न लायन के बाइट फोर्स से 2 गुना से भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं स्पीड की। अमेरिकन लायन भारी भरकम होने के बावजूद भी 48 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। इस स्पीड और भारी शरीर के कारण अमेरिकन लायन काफी मोमेंटम जनरेट करता है जो किसी भी शिकार के कमर तोड़ने के लिए काफी है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस की। दोस्तों अन्य बिग कैट्स की बात, अमेरिकन लायन भी कार्निवोरस था। ये काफी बड़े शिकार करता था जैसे कि हो गया हॉर्सेस, कैमल्स, ग्राउंड स्लॉट्स, यंग मैमथ्स, बाइसन, डियर आदि। अपने मजबूत हैंड लेंग्स और पावरफुल जबड़ों की मदद से ये किसी भी शिकार को मिनटों में धराशायी कर देता था। बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटर्स की। अमेरिकन लायन को अपना पेट पालने और जिंदा रहने के लिए अन्य कार्निवोर्स जैसे सेवर टूथ कैट, डायर वुल्फ, शॉर्ट फेस्ड बियर्स, इनसे कड़ा खूनी मुकाबला करना पड़ता था। अमेरिकन लायंस के टूटे हुए कैनाइन दांत इन हिंसक मुकाबलों के सबूत हैं। तो अमेरिकन लायन का सर्वाइवल जो है काफी मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता था डिस्पाइट बीइंग एन एपेक्स प्रेडेटर बिकॉज ऑफ द टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम दीज हैवीवेट्स। अब बात कर लेते हैं रेंज और अमेरिकन लायन के डिमाइस की। अमेरिकन लायन मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका के प्रेजेंट डे यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको में पाया जाता था। अमेरिकन लायन 10,000 साल पहले अन्य आइस एज जानवरों की भांति विलुप्त हो गया। इसके एक्सटिंक्शन के एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है, पर अनुमान ये लगाया जाता है कि बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज की वजह से अमेरिकन लायंस धरती को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो दोस्तों यही है कहानी इन शॉर्ट अमेरिकन लायन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को दबा दीजिए, और अगर आप भी एनिमल और नेचर लवर हैं और उनसे जुड़े हुए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेचर और एनिमल्स के प्रति जागरूक हो सके। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।